अपना शहर अपनी बातें अपना शहर अपनी बातें सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते हम आपके लिए लाते कहीं पे चोरी कहीं पे डाका ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका मंत्री मोजी पाड़े का न्यूज अपनी चक पटा पटाका पटा पटाका पटा पटाका खबर दर खबर पहुँचे आपके घर देखे न्यूज ये पूरा शहर News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते हम आपके लिए लाते कोणार्क अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों के आज के इस एपिसोड में मैं कुणाल कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और देखते हैं कि किस प्रकार से रही हमारे शहर की गतिविधियां। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। बांग्लादेश से एक महिला को यह कह कहकर लाया गया कि वो मुंबई में उसे नौकरी दिलाएंगे, लेकिन यहां पे लाने के बाद उसे जबरन देह व्यापार में धकेल दिया गया। ऐसा मामला उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, जिसमें 4 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। इसमें से एक को गिरफ्तार किया गया है। आइए डालते हैं नजर। पीड़ित बांग्लादेशी महिला इच्याकडे सुहाग नावाचा इसम हा बांग्लादेश येथे गेला आणि तिला मुंबई मध्ये नोकरी देतो असं नोकरीचं आमिष दाखवून तिला मुंबई येथे घेऊन आला। मुंबई येथे घेऊन आल्यानंतर सदर सुहाग नावाच्या इस्माने उल्हासनगर आत्माराम नगर येथील राजू नावाच्या इस्माच्या घरी तिला ठेवण्यात आले। राजू नावाच्या इस्माकडे ती 2 दिवस राहिल्यानंतर राजू येणे एका इस्माबरोबर तिला शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याबाबत सांगितले। त्या अनुषंगाने त्या इस्माने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले। त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी राजूबरोबर राहणारा रहीम या इस्माने तिला मुंबई येथे घेऊन गेला आणि मुंबई येथे एका अनोळखी ठिकाणी तिला ठेवण्यात आले। त्या ठिकाणीही तिला शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याबाबत आदेशित करण्यात आले। त्यानुसार तिने त्यास नकार दिला। त्यानंतर त्या ठिकाणाहून तिला हकलून देण्यात आले आणि ते कल्याण रेल्वे स्टेशन इथे आले। सदर पीडित बांग्लादेशी महिला हिने कल्याण रेल्वे पोलीस स्टेशन इथे तिच्याशी झालेला प्रकार हा सांगितला। त्या अनुषंगाने कल्याण रेल्वे पोलीस स्टेशनने तिची गुन्हा दाखल करून घेतलेला आहे। सदरचा प्रकार हा विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत असल्याने तो कल्याण रेल्वे पोलीस स्टेशनने तो गुन्हा आमच्याकडे विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनकडे वर्ग केलेला आहे। त्या गुन्ह्यामध्ये रहीम शेख नावाच्या इस्माला आम्ही अटक केलेली आहे। त्याला दिनांक 16 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड मिळालेली आहे आणि यासंबंधी काही रॅकेट असेल तर त्या अनुषंगानेही आम्ही रहीमकडे तपास करत आहोत। राजू मिळाल्यानंतर त्यातली खरी काय रॅकेट आहे याबद्दलचं पूर्णपणे आपल्याला गुन्ह्याची उकल होईल। त्या अनुषंगाने आम्ही तपास करीत आहोत। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। हमारा शहर उल्लासनगर में दिन ब दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि शहर में हत्याओं की बात करें तो लगातार हत्याएं बढ़ रही है। वहीं पर शहर भर में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी बढ़ रही है। ऐसे में ही उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 11 नवम्बर 2018 इस दिन उल्लासनगर 5 नंबर कुरला कैंप परिसर में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। दुखद घटना ये है कि आज स्थित 5 नंबर कुरला कैंप परिसर में एक 5 साल की बच्ची का रेप हुआ है। रेप करने वाला आदमी का नाम है इंद्रजीत पाल, जो उसका नेबर था। उसके बाजू में रहने वाला एक आदमी जिसने अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए एक बच्ची के साथ ऐसा अवैध काम किया है कि उसको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि कायदा जो कायदे में रहकर जो लोगों ने उसे आज लाकर यहाँ पे हिल लाइन पुलिस स्टेशन में लाके उसको रखा है, पर कायदे के अनुसार उसके ऊपर 376 और फोक्सा ऐसा केस हमारे खंदारे साहब जो पुलिस निरीक्षक है हिल लाइन पुलिस स्टेशन वो लगा रहे हैं।
बट फिर भी हमारी यह मांग है कानून से, कायदे से, पुलिस से, हमारी यह मांग है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसको ऐसी सज़ा मिले कि ताकि अगली बार किसी आदमी को ऐसे कारनामा करने से पहले इस सज़ा की जान पड़ जाए। आज हिल लाइन पुलिस स्टेशन पे मैं खुद दीपक राय सिंघानिया, टीम ओमिकालानी 142 विधानसभा अध्यक्ष, राहुल वाल्मीकि, टीम ओमिकालानी 4 नंबर ब्लॉक कार्य अध्यक्ष यहाँ मौजूद है और इस घटना की हम पूरी तरीके से जांच ले रहे हैं और कार्रवाई करने में साहब हमारी मदद कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा शहर के विकास के नाम पर शहर के कई रास्तों में कटिंग की जानी है, यानी कि उनका रुंदरीकरण किया जाना है, जिसके चलते कई घर परिवार तबाह हो सकते हैं। ऐसे में शिवसेना के नगर सेवक सुमित सोन कांबले उपोषण पर बैठे हैं, क्या उनकी मांग आई सुनते हैं। उल्लासनगर महानगर पालिकेने जो हा विकास आराखडा न म्हणता हा विनाशकारी विकास आराखडा जो नागरिकांच्या माथ्यावर मारलेला आहे, त्याच्या विरोधार्थ या ठिकाणी आम्ही उपोषणाला बसलेलो आहे। विनाशकारी विकास आराखड्यामध्ये हा जो रस्ता आहे हा 80 फुटाचा दिलेला आहे आणि हा 80 फुटाचा दिल्यामुळे हा जो विनाशकारी विकास आराखडा आहे हा 4 दरवाजामध्ये बसून या सरकारने बनवलेला आहे, त्याचा आम्हाला विरोध आहे। या विनाश आराखड्यामध्ये लोकांचे घर बाधित होत आहेत, विकासाला आमचा विरोध नाही आहे, पण जर लोकांचे घर बाधित होऊन हा विकास करायचा असेल तर हा विकास आम्हाला नको आहे, कारण ही आमची जनता आहे, ही गेल्या 25 ते 30 वर्षापासून इथे रहिवासी आहे। सुवर्ण संकेत सोसायटी असेल, न्यू शिवम सोसायटी असेल, आजूबाजूचा जो परिसर आहे तो गेल्या 30 ते 35 वर्षापासून इकडे रहिवासी आहेत आणि याच्या आधीसुद्धा 2 वेळा यांचे घरं बाधित झालेले आहेत। त्यांनी आपली जागा गमवली आहे, त्यांनी आमचे घरं गमवले आहेत आणि असं करत असताना तिसऱ्यांदा पुन्हा हे जर होत असेल तर हे शिवसेना खपवून घेणार नाही। सध्या तरी इथे कटिंग करायची किंवा रस्ता रुंदीकरण करायची इथं आवश्यकता नाही आहे, जिथे आवश्यकता आहे त्यांनी तिथे करावी अशी आमची मागणी आहे। हा रस्ता अद्याप 60 फुटाचा आहे, माझी मागणी एवढी आहे फक्त हा जो 60 फुटाचा आहे हा 60 फुटाचा असूनच त्याच्यावर सुशोभीकरण करण्यात यावं, लोकांचा घरं उद्ध्वस्त करून हा रस्ता आम्हाला नको आहे, यासाठी आम्ही या ठिकाणी उपोषणाला बसलो आहोत। आणि ही शिवसेनेची धारणा अशी आहे की शिवसेनेची पद्धत आहे आंदोलनाची, पर लोकांचे विचार करून आम्ही या ठिकाणी आंदोलन न करत उपोषणाला बसलो आहे। जर आम्हाला योग्य आम्हाला निर्णय नाही भेटला तर शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करण्यासाठी पण तत्पर आहोत। आम्ही सुवर्ण संकेतचे रहिवासी आहोत, नगरपालिकेने आमच्या रस्त्याचं काम हे रुंदीकरणासाठी केलेलं आहे आणि आमची बिल्डिंग त्यामध्ये जाते आहे। आम्ही 25 वर्षापासून या बिल्डिंगचे रहिवासी आहोत, आम्हाला या ठिकाणी योग्य निर्णय हा पाहिजे आहे, त्यासाठी आमचे नगरसेवक सुमित सोनकांबळे सर हे आमरण उपोषणासाठी इथे बसलेले आहेत। आम्हाला या ठिकाणी योग्य असा निर्णय नगरपालिकेने देणं, लवकरात लवकर निर्णय हा नगरपालिकेने देणं आवश्यक आहे। आमचे 25 वर्षाचे संसार आज देशोधडीला लागणार आहे, आम्ही उघड्यावरती येणार आहोत। महाराष्ट्र सरकारने जो विकास आराखडा उल्हासनगरला अप्लाय केलेला आहे त्या माध्यमातून रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग अवलंबल्याने आमच्या उल्हासनगर 4 छत्रपती शिवाजी उड्डाणपूल ते आपलं वृंदावन सोसायटीपर्यंतचा जो रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग अवलंबल्यामुळे आमच्या इथे राहणारे 2 बिल्डिंगमधले 2 सोसायटीमधले रहिवासी हे 25-30 वर्षापासून राहत असून त्यांना बेघर करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे महाराष्ट्र सरकारने तो रद्द करण्यात यावा। जर ह्याला जर त्यांनी मान्यता दिली नाही तर हे आंदोलन आमच्या माध्यमातून आम्ही उग्र स्वरूपाने रस्त्यावर उतरून लोकांना दाखवून देऊ की हा त्यांना रद्द करायलाच भाग पाडू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। गरीब जनता को राशन कार्ड की वजह से काफी दिक्कतें हो रही है और ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि उन्हें राशन सही समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते संविधान परिवार संस्था द्वारा उल्लासनगर के SDO कार्यालय में एक मोर्चे का आयोजन किया गया। ये जो रेस्टिंग ऑफिस का जो मुद्दा है जो हम लोग ने अभी यहाँ पर जो निरीक्षण किए, उल्लासनगर में तमाम जो हमारे गरीब लोग हैं उनको एक तो टाइम पर राशन मिलता नहीं, दूसरी बात अभी जो थंप जो निकाला है मशीन निकाला है, जो हमारी मोल मजदूर करने वाली जो महिला है जो बर्तन मांगती है क्या करती है, जो उसका जो थंप कभी लगा नहीं तो वो राशन वाला उसको राशन देता नहीं, फिर दूसरा आदमी को बुलाते
उसका अगर लगाने, मतलब उन लोग काम धंधा छोड़ के उसके पीछे पड़ते हैं। क्यों तो दो दो रुपया तीन रुपया किलो से चावल या गेहूँ मिलता है उनको, बात ये मुद्दा है। दूसरा और दूसरा बात ये है कि जो तहसीलदार ने इन्होंने 60,000 रुपये का उत्पन्न का दाखिला निकाला है, 60,000 का उत्पन्न का दाखिले के ऊपर नीचे कोई देता है नहीं। अभी झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी 60,000 तो नहीं कमा सकता है, पहला मुद्दा। और वो जो 60,000 का जब दाखिला जब उनको मिलता है तो वो जो सुविधा है राशन कार्ड पर वो तो उनको मिलती नहीं है, पहला बात। और दूसरी बात, जब जब राशन कार्ड भी मिला, राशन कार्ड मिलने के बाद दो दो तीन तीन साल राशन मिलता नहीं, फिर राशन कार्ड देते हैं काय के लिए? आप मत दो ना, सीधा बोर्ड लगा दो कि आप नया राशन कार्ड देते नहीं करके। हाँ, शासन के लिए हम लोग ने ये मांग किया है कि वो राशन नया राशन कार्ड उसको दे मत फिर, ये तो फिर रेशन कार्ड तुम्हारा चालू है ना, तो रेशन देते हो ना तो उसको पूरा निकलना देना चाहिए। दूसरी बात, जो कोठा आता है इन लोग का, एक दफ़ा चावल आएगा, दूसरी दफ़ा गेहूँ आएगा, तीसरी दफ़ा रॉकेल आएगा, चौथी दफ़ा दाल आएगी, महीने में एक साथ में कोई कोठा देता नहीं, तो ताकि एक आदमी समझो फ्री हो गया तो उसको जाके ले आए, ऐसा कोई भी बात होता नहीं। एक महीने में चार चार टाइम आदमी उधर जाके राशन कार्ड के लाइन में लगता है और उसको थम लगाना पड़ता है। तो ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ये बंद होना चाहिए। मशीन प्रणाली जो है ये, इसमें बहुत सारी परेशानियाँ अभी ग्राहकों को ग्राहकों को हो रही है। वो ये कि अभी थम्स लगते नहीं, दूसरा है कि समय पर राशन मिलता नहीं, और इनका टाइम लिमिटेड है कि इनका कंट्रोल मुंबई में होने के नाते ये शाम को 8:30 बजे तक ये मशीन बंद हो जाता है। दुकान में राशन है, राशन दुकानदार है, ग्राहक है, मगर राशन मिलता नहीं। कारण एक कारण ये है कि मशीन बंद है, उसका इंटरनेट का भी प्रॉब्लम है, और लोग जो है थके माने जो काम से आते हैं तो वो ज़्यादातर मोस्टली वो शाम को ही आते हैं। और रही बात घासलेट की, तो घासलेट पहले जो था चार साल पहले ये पर इंसान को 2 लीटर घासलेट मिलता था, मगर आज जो है पूरे कार्ड को 4 लीटर घासलेट मिलता है, जिसका अगर गैस नहीं है तो वो 4 लीटर में पूरा महीना कैसा गुजारा करेगा गैस वाले को। और सरकार का कहना है कि रॉकेल से प्रदूषण फैलता है, अगर घासलेट से प्रदूषण फैलता है तो वाइट केरोसिन क्यों मैदान में आया है? और जो व्हाइट केरोसिन मैदान में आया है तो केरोसिन का भाव जो है 75 से 80 रुपया तक है, और ये जो है घासलेट जो राशन दुकान पे जो मिल रहा है वो केवल 30 रुपये तक अभी तक का भाव है, और ये भाव भी हर 15 दिन में बढ़ रहा है। सरकार ने हमारी जो तकलीफ़ें देखते हुए जो स्कीम शुरू करवाई है कि लोगों को तकलीफ़ कम हो, इसलिए हम लोगों को रेशनिंग के लिए जो सुविधा प्राप्त हुई है, लेकिन वो सुविधा साधारण लोगों तक नहीं पहुंच रही है जिन तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने उस तरफ भी शुरू करके बीच में ही वो स्कीम को छोड़ देना, ये हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। साधारण जो लोग हैं जिनके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन तक ही ये सुविधा पहुंच नहीं रही है। हमारा इतना ही कहना है कि सब लोगों तो ये जो प्रणाली है, ये जो शुरुआत है, इस शुरुआत का जो लाभ है वो हर एक व्यक्ति को अच्छे से उठाना आना चाहिए, या तो फिर जो प्रणाली उन्होंने 40 साल पहले या 30 साल पहले शुरू की थी वो प्रणाली फिर से शुरू कर दी जाए, ताकि लोगों का एकमात्र उद्देश्य यही है कि साधारण से साधारण जनता को अपने हक का अनाज प्राप्त होना चाहिए। अगर ऐसी प्रणाली से अगर उनको अपने ही अनाज से अगर वंचित रहना पड़ रहा है तो फिर ये सुविधा किसी काम की नहीं। तो इतनी ही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द हमारा जितना भी कहना है, हमने जितना भी बताने की आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, उस पर अमल किया जाए। गरीब जनता की समस्या को लेकर जब संविधान परिवार संस्था SDO कार्यालय में पहुंची तो वहां पर अधिकारी मौजूद नहीं थे, जिसका संविधान परिवार संस्था के सभी अधिकारियों ने निषेध किया। सबसे पहले तो मैं शहरवासियों को ये संदेश दूंगा कि शासन ने जो रेशनिंग ग्राहकों के लिए प्रणाली नियुक्त की है वो एकदम बेकाबू हो गई है और किसी पे नियंत्रण नहीं है। झोपड़पट्टी 1 से 5 तक इस निदर्शन में लोग शामिल हुए हैं। संविधान परिवार ने ये आयोजन किया था, तहसीलदार और रेशनिंग ऑफिसर 5 नंबर 3 नंबर को भी हमने निवेदन दिए थे। करीबन 8 दिन से इनसे पत्र व्यवहार किया, उसके बाद SDO पे आज निदर्शन हो रहा है। 1 से 5 नंबर के झोपड़पट्टियों के जो रेशनिंग के ग्राहक है जिन्हें तकलीफ है, वो बार बार रेशनिंग ऑफिस जाने के बाद में इस निदर्शन का हमने माहौल बनाया है। SDO तो नहीं है, हमारे SDO साहब थाना कलेक्टर साहब के पास गए, पर उनके अधिकारी जो थे उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने निवेदन स्वीकार किया है। पर दुख की बात है कि पुलिस यंत्रणा और डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार इनको निवेदन देने के बाद भी
लोकल रेशनिंग ऑफिसर जो कि 5 नंबर में बैठते हैं होनमाने या उनका डिपार्टमेंट है, जैसे 3 नंबर में हमारा उप विभाग है रेशनिंग का, वो अधिकारी आए नहीं और शहर की जनता की तरफ से संविधान की तरफ से वो अनुपस्थित रहे, इनके लिए मैं पूरे शहर की ओर से उनका निषेध करता हूँ और हमारे रोष को उनको आगे आने वाले तारीख को शामिल होना पड़ेगा। मुझे हम विनंती करते हैं कलेक्टर तहसीलदार साहब को और SDO की हमारी भावनाएं जल्द से जल्द शासन तक पहुँचाए और हमें राहत दिलाए, रेशनिंग ग्राहक जो है उनको राहत दिलाए, समय पे अनाज बांटना चाहिए, मशीन प्रणाली जो खराब है या जो दिक्कत है वो कमी की जाए। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। दिन ब दिन बढ़ते प्रदूषण के चलते शहर में कई ऐसी NGO हैं जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए काफी मेहनत कर रही है। ऐसे में रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर और शहर की अन्य NGO द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें ये निर्णय लिए गए कि किस प्रकार से शहर में प्रदूषण को कम किया जाए। रोटरी सबको दूसरी बात बोले तो पोलियो का लक्ष्य मालूम है कि पोलियो अगर इंडिया से या वर्ल्ड से क्या हुआ रोटरी का मेन उसमें दायित्व रहा है। रोटरी ग्राउंड का एयर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, जीवन पोल्यूशन हो, हम लोग जीवी पोल्यूशन के बीच में रहे हैं। दिल्ली में जैसे लोगों को आदत पड़ चुकी है पॉल्यूशन की, हमें ना पड़े आदत, इसके पहले हमें थोड़ा सा जागरूक होना है। और उस डिस्कशन में हमने बहुत गहरी जाकर उल्लासनगर की डेंजरस बिल्डिंग्स और उसके बारे में बात की। आज हम 2018 में हैं, आज भी हमारे शहर में डेंजरस बिल्डिंग है, बिल्डिंगें गिर रही है, लोग मर रहे हैं, तो जो किस्सा है वो फिर भी शुरू है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। 16 सोमवार के व्रत की समाप्ति के बाद शहर भर के विभिन्न मंदिरों में शिव जी की पूजा अर्चना की गई और कई जगहों पर कार्यक्रम के आयोजन भी किए गए। आइए डालते इस पे एक नजर। महादेव की कृपा से भगवान ने सबकी मनोकामना पूरी की है, भगवान करे ऐसे ही और मनोकामना पूरी होती रहे और श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती रहे। पहले 2 आते थे, 2 से 4 हुए, तादाद बढ़ती जा रही है, महादेव ऐसी कृपा सब पर बनाए रखे। उद्यापन है तो भगवान का उद्यापन करेंगे, उनके ऊपर चूरण चढ़ाएंगे और जो प्रथा चलती आ रही महादेव का अभिषेक आदि कार्य वह हम संपन्न करेंगे। ये महादेव जी का मंदिर है, बजरंगबली के नाम से ज़्यादा फेमस यह मंदिर है, छोटी पुल के बाजू में यह मंदिर है। ये जो शिव मंदिर है कपिलेश्वर महादेव मंदिर उल्लासनगर 3 उल्लास स्टेशन के बाजू में छोटी ब्रिज के बाजू में है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर मेरे दादाजी उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, कम से कम 70 से 75 साल पुराना ये मंदिर है। इस मेरे दादाजी के बाद मेरे फादर लक्ष्मीचंद जेठानंद जोशी ने इसको आगे बढ़ाया, उसके बाद में मेरे भाई मदनलाल जोशी इसकी सेवा करते थे, उनके 100 वर्ष के बाद मेरा भतीजा हितेश जोशी इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। इसमें हम शिव जी की जो चौमासा व्रत कथा है उसमें हर साल हम लोग यहाँ आते हैं, पहले यहाँ 2 से 4 लोग आते थे, अभी आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और मनोवांछ व्रत जो भी यहाँ जो भी इच्छा लेके आता है उसकी मन इच्छा शिव शंभू पूरी करते हैं। मेरी भी कुछ इच्छा थी वो पूरी हुई है, आगे भी जो भी मन में भावना रख के आता है उसकी इच्छा पूरी होती है। बोल श्री कपिलेश्वर महादेव की जय। सप्त गौरा तथा ब्रह्मादी माता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व शारदे शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी। जैसा कि आप सभी को मालूम है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 16 सोमवार मानसा वाचा का आज उद्यापन का दिन है। इस दिन उद्यापन होता है, सभी जो है
भक्तजन जो पूजा करते हैं उनको उद्यापन वो अपने अपनी जो मनोकामना पूरी होती जाती है वो पूरी होती है और फिर आगे बढ़ते जाते हैं फिर अगली मनोकामना पूरी होती है। इस तरह ये भक्तों का रेला बढ़ता ही जा रहा है और हर साल बढ़ता ही रहेगा। बोल कपिलेश्वर महादेव की जय। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। कार्तिक मास के चलते उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के सेक्शन 20 में स्थित साईं साधुराम दरबार में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आइए इसी के बारे में लेते हैं अधिक जानकारी। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। सभी प्रेमियों को गुरु घर के सूचित किया जाता है कि साईं साधुराम दरबार सेक्शन 20 में तारीख 23 अक्टूबर से 23 नवंबर तक रोज रात को कारकत का कथा होता है। समय है कथा का 8 से 9 बजे तक और बाबा श्री चंद की आरती भी होती है। और तारीख 23 नवंबर को शुक्रवार के दिन दोपहर 12 से 1 बजे तक सत्यनारायण स्वामी की कथा होगी और 1 से 2 बजे तक पाठ साहब गुरु नानक देव जी का भोग पड़ेगा और 2 बजे के बाद सभी लोगों के लिए भंडारा है, भोजन है। सभी आ रखे जो आए भजन भोजन और भजन करें। और रात को 8 से 10 बजे तक 10 से 12 बजे तक गुरु नानक देव जी महाराज की डोली होगी। डोली में गुरु नानक देव जी बिठाए जाएंगे और 10 से 12 बजे तक सत्संग होगा। तो सभी प्रेमियों से निवेदन है कि वे आकर इस प्रोग्राम का लाभ उठावे। स्थान सेक्शन 20 साई साधुराम दरबार। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। 16 नवंबर को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाना है और ऐसे में इस पर्व के महत्व का संदेश दे रहे हैं वासुमल सचदेव। आइए सुनते हैं। सभी भक्तों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये कार्तिक पुण्यदायक महीने में गोपाष्टमी माने गाय की सेवा और पूजा का दिन 16 नवंबर शुक्रवार के दिन है। इस दिन श्री राधेश्याम गौशाला नगर 5 में सुबह 6 से रात को 8 बजे तक गाय की पूजा होगी और सत्संग होगा और इसमें स्वामी देव प्रकाश जी महाराज और अन्य संत महात्मा गाय की पूजा का वर्णन करेंगे। सदगुरु स्वामी शांत महाराज जी ने 1960 में 15 गाय से यह गौशाला स्थापना की थी। आज 3000 गौ वंश है और दूसरी जो शाखा है नासिक में पंचवटी में सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश गौशाला का वहाँ भी उद्घाटन हुआ था। दोनों जगह गाय की सेवा होती है। आप सभी यहाँ आकर गाय की सेवा करें। गाय की सेवा भगवान कृष्ण ने 5 वर्ष में की थी और अपने धाम का नाम गौ लोक रखा था। जो भी भक्त गाय की तन मन धन से सेवा करता है उसको पुण्य होता है, बीमारियां नष्ट होती है, टेंशन दूर हो जाता है। जिसको भूत प्रेत लगत होवे तो वो 5 दिन गौशाला में रहकर वो उसको मिटा सकते हैं। गाय उत्तम है। गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। जिस माँ के बच्चे को अपना माँ का दूध नहीं मिलता है वो गाय का दूध पीने से उसको माँ के दूध की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तजनों आप भी यहाँ सुबह को 7 बजे आएँ, गाय की पूजा और आरती होगी। 8 बजे स्वामी देव प्रकाश महाराज संत और गाय के साथ शहर की परिक्रमा होगी, फिर गौशाला में वो समाप्त होगी। शाम को 4 से 8 बजे तक भक्ति भाव और संतों महात्माओं का दर्शन और गाय की महिमा का वर्णन करेंगे। जो भी भक्त गाय की रोज़ सेवा करता है उसे बीमारियों से दूर रहना पड़ता है, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। इसलिए भक्तजनों भगवान कृष्ण ने गाय की सेवा की, सदगुरु स्वामी शांत महाराज जी ने की, तो आप भी करेंगे तो आपको भी पुण्य लाभ होगा। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। तो ये थी शहर की कुछ गतिविधियां। तो आइए अब नजर डालते शहर की कुछ आपराधिक घटनाओं पर। Thank you.
खेमानी चौक परिसर में आलम अंसारी नामक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपसी विवाद के चलते संबंधित व्यक्ति के साथ करतार सिंह लबाना और उनके साथीदारियों द्वारा मारपीट की गई है। ये पूरा मामला उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 324 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 3 हीराघाट परिसर में समीर अंसारी नामक व्यक्ति के साथ मोबाइल स्नैचिंग की घटना सामने आई है। संबंधित व्यक्ति जब रास्ते से जा रहे थे उसी दौरान किसी अज्ञात बाइक सवार द्वारा उनके हाथ का मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया और वो बाइक सवार वहाँ से फरार हो गया। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 392 और 34 के तहत आगे की जांच कर रही है। उल्लासनगर 5 ईश्वर प्रेम आश्रम परिसर से निखिल माखीजा नामक व्यक्ति के जय भोले इस मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में चोरी की घटना सामने आई है। किसी अज्ञात चोर द्वारा इस दुकान से कुल 20,000 रुपये की चोरी कर ली गई है। यह पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 457 और 380 के तहत आगे की जांच कर रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर करेंगे मुलाकात नए एपिसोड में शहर की नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।